उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता मिली है। यूपी पुलिस ने बिहार के छपरा जिले से एटीएम बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस एटीएम बाबा को गिरफ्तार करने के लिए कई महीनों से पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस की गिरफ्त में आए सुधीर मिश्रा एटीएम से कैश चोरी करने के लिए जाने जाते हैं। गिरफ्तार सुधीर मिश्रा की उम्र 38 साल है। वो पिछले कई महीनों से यूपी पुलिस को चकमा दे रहा था। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एटीएम बाबा ने अपने साथियों के साथ लखनऊ के एक एटीएम से लाखों की चोरी की थी। ये चोरी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर हाईवे के एटीएम पर अप्रैल के महीने में की गई थी। पुलिस ने बताया कि सुधीर मिश्रा ने अपने गैंग के साथ मिलकर 11 लाख रुपए नगद चुराए थे। इस दौरान उन लोगों ने एटीएम और सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। यूपी पुलिस ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि एटीएम से चुराए गए लाखों रुपए के बाद इस गैंग की तलाश की जाने लगी थी। सुधीर मिश्रा के खिलाफ बिहार में कई आपराधिक मामले पहले ही दर्ज थे। बिहार के अलग अलग थानों में 11 मामले दर्ज थे। लखनऊ में एक मामला दर्ज है। सुधीर मिश्रा अब पुलिस की रिमांड में है। पुलिस ने बताया कि एटीएम बाबा की गिरफ्तारी से 24 अप्रैल को उसके गिरोह के 4 लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। इन गिरफ्तार लोगों के नाम नीरज मिश्रा, राज तिवारी, पंकज पांडे और कुमार भास्कर ओझा है। ये सभी छपरा जिले के रहने वाले हैं। अभी सब जेल में हैं। पुलिस की पूछताछ के दौरान इन गिरफ्तार लोगों ने बताया था कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में काम करते थे। इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सरगना सुधीर मिश्रा है, जिस पर डकैती समेत कई मामले पहले से ही चल रहे हैं। सुधीर मिश्रा टेक्निकल चीजों में बहुत तेज है। वो एटीएम की चोरी मिनटों में कर देता है। उसके गैंग के सदस्यों ने बताया कि सुधीर मिश्रा आमतौर पर बिना गार्ड के एटीएम को अपना निशाना बनाया करता था। एटीएम में घुसने से पहले वो सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देता था, अलार्म के कनेक्शन भी काट देता था। उसके बाद वो एटीएम की चोरी करता था। कई एटीएम में लाखों की चोरी करने के बाद भी पुलिस के चंगुल से फरार था, इसलिए उसका नाम एटीएम बाबा पड़ गया। लखनऊ में हुई 11 लाख की चोरी के बाद यूपी पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया था। वही अब एटीएम बाबा पुलिस की गिरफ्त में है।